श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन वल्लभाय नमः, श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। एकादशी के जया आदि भेद, नक्त व्रत का स्वरूप, उत्पन्ना एकादशी के प्रसंग में एकादशी की विधि, उत्पत्ति एकादशी की कथा और महिमा का वर्णन। नारद जी ने पूछा, महादेव महाद्वादशी अर्थात एकादशी का उत्तम व्रत कैसा होता है? सर्वेश्वर प्रभु, उसके व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उसे बताने की कृपा कीजिए। महादेव जी ने कहा, ब्रह्मन, यह एकादशी महान पुण्य फल को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथि जया, विजया आदि, जयंती तथा पापनाशिनी इन चार नामों से विख्यात होती है। अर्थात जया, विजया, जयंती तथा पापनाशिनी इन चार नामों से विख्यात होती है। ये सभी पापों का नाश करने वाली है, इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि जया कहलाती। उसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पाप से मुक्त हो जाता। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि विजया के नाम से विख्यात होती है। इसमें किया हुआ फल, इसमें किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन सहस्त्र गुना फल देने वाला है, तथा होम और उपवास तो सहस्त्र गुने से भी अधिक फल देता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तिथि जयंती कहलाती। वह सब पापों को हरने वाली, उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चय ही मनुष्य के सब पापों को धो डालते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्य नक्षत्र हो तो वहां वो महापुण्यमयी पाप नाशिनी तिथि कहलाती। जो जो एक वर्ष तक प्रतिदिन एक प्रस्थ स्थिल दान करता है तथा जो केवल पाप नाशिनी एकादशी को उपवास करता है, उन दोनों का पुण्य समान होता है। उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत फल माना गया है। सगर नंदन ककुत्स, नहुष तथा राजा गाधी ने उस तिथि को भगवान की आराधना की थी, जिससे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दिया था। इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप से मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। पुष्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों का व्रत फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजा आदि जो भी कुछ किया जाता है उसका अक्षय फल माना गया है। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर 5वें अश्वमेध यज्ञ का स्नान कर चुके, उस समय उन्होंने यदुवंशावतंस भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, प्रभु, नक्त व्रत तथा एक भुक्त व्रत का पुण्य एवं फल क्या है, जनार्दन यह सब मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमय मार्गशीर्ष मास आए तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास व्रत करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष दशमी को सदा एक भुक्त रहे अथवा शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक नक्त व्रत के स्वरूप को जानकर उसके अनुसार 1 बार भोजन करे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात में भोजन का निषेध होता है। कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातः काल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे और सवेरे तथा मध्यान्ह को पवित्रता के लिए स्नान करे।
कुएं का स्नान निम्न श्रेणी का है, बावली में स्नान करना मध्यम है, पोखरे में उत्तम तथा नदी में उससे भी उत्तमोत्तम माना गया है। जहां जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती हो, वहां स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जल को छान कर शुद्ध कर लें तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया है। इसलिए पांडव श्रेष्ठ घर पर उक्त विधि से स्नान करें। स्नान के पहले निम्नांकित मंत्र पढ़कर शरीर में मृत्तिका लगा ले, अर्थात मिट्टी लगा ले। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हरमे पापम जन्मया पूर्व संचितम। हे वसुंधरे अर्थात हे पृथ्वी देवी, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्तिके, मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किए हूं उस मेरे पाप को आप हर लीजिए। व्रती पुरुष को चाहिए वह एक चित्त और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे। अंत्यज, पाखंडी, मिथ्यावादी, ब्राह्मण निंदक, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाले अन्यान्य दुराचारी, परधनहारी तथा परस्त्री गामी मनुष्यों से वार्तालाप तक न करे। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाए, घर में भक्तियुक्त मन से दीपक जलाकर रखे। पार्थ उस दिन निद्रा और मैथुन का परित्याग करे। धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करे। नृपश्रेष्ठ भक्तियुक्त होकर रात्रि में जागरण करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी है, इस विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए। पार्थ, द्विज को उचित है कि वह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रती लोगों में भेद बुद्धि न उत्पन्न करे। शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य होता है तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है वह सब एक एकादशी व्रत की 16वीं करा के बराबर भी नहीं। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान कर दान करने से जो पुण्य होता है वह निश्चय ही एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्य को मिल जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता, एकादशी का भी ऐसा ही महत्व। यह भी गर्भवास का निवारण करने वाली एकादशी है। पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत करने वालों को भी अवश्य मिलता है। वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को सहस्त्र गोदान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रती को वह पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने से देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी का उपवास नहीं करता तभी तक तीर्थ दान और नियम अपने महत्व की गर्जना करते हैं। इसीलिए पांडव श्रेष्ठ तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। कुंती नंदन, यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है। 1000 यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई। श्री भगवान बोले, कुंती नंदन प्राचीन समय की बात है, सत्युग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती, देव कोई उपाय बतलाइए, देवता किसका सहारा लें। महादेव जी ने कहा, देवराज, जहां सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ
वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे, उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ कर दी। इंद्र बोले, देव देवेश ईश्वर आपको नमस्कार है, देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं, हे मधुसूदन हम लोगों की रक्षा कीजिए, हे जगन्नाथ संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं, हे भक्त वत्सल हमें बचाइए, देव देवेश्वर हमें बचाइए, जनार्दन हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, दानवों का विनाश करने वाले हे कमल नयन हमारी रक्षा कीजिए, प्रभु हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं, भगवान शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए, देव आप ही पति आप ही मति आप ही कर्ता आप ही कारण आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं, भगवान देव देवेश्वर शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं, प्रभु अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज वह दानव कैसा है, उसका स्वरूप और बल कैसा है, तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, देवेश्वर पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल जंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ, वह भी अत्यंत उत्कट महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि चंद्रमा सूर्य वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बना दिए हैं। जनार्दन मैं सच्ची बात बता रहा हूं, उसने सबको ही दूसरे ही कर लिए हैं, देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ, वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती पुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहे हैं, उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे खड़ा रहे। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर विष्णु ने अपनी दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया, उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था, भगवान विष्णु उसी में सो रहे। दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा हुआ था, वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उस गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निस्संदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी, उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानवों के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर के उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर करने लगी। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखा, पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया? कन्या बोली, स्वामिन आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोगों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। जनार्दन जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव जो लोग उपवास नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिएगा। विष्णु बोले, कल्याणी जो तुम कुछ चाहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं, युधिष्ठिर
ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है, इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वो त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है, वह भगवान को बहुत ही प्रिय होती है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1,000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है, तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1,000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी, ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर भी इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन दिन में और रात में भी एकादशी हो तो दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन द्वादशी को एकादशी का ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहां साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है, वो वहां जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे 1,000 गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निस्संदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा और कोई भी नहीं है। श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री दाऊदयाल प्यारे की जय।